अगर आपको या फिर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई दिक्कत है, जैसे कि दिमाग की, पाचन तंत्र की, स्किन की, वजन घटाने की, शारीरिक ऊर्जा की, बैड कोलेस्ट्रॉल की, बालों की, दांतों की या फिर हड्डियों की, तो आज की जो ये रेसिपी है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, मैं हूँ अनीता और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल यासिका कुकिंग शूटिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, गुणकारी और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली एक टेस्टी और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी। इसको बनाना भी आसान है, इसको खाना भी आसान है, यानी कि बनाना तो आसान ही, खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि आप किसी को भी खाने के लिए बोल दोगे तो इस रेसिपी को खाने के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। इस रेसिपी को आप सुबह सुबह अपने घर में नाश्ते में बना सकते हैं। यदि एक कटोरी आपने सुबह नाश्ते में खा ली तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एनर्जी से भर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये एक पैन ले लिया है और इसको हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 छोटा चम्मच के जितना घी। हेल्दी वे में बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको केवल घी में ही बनाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू ले लिए हैं, थोड़े से बादाम ले लिया और थोड़े से मैंने साथ में जो है किशमिश ले ली है। अब काजू, बादाम और किशमिश को एक साथ खाने से हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि इन ड्राई फ्रूट्स में विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक जैसे बहुत सारे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। ये तीनों ही ड्राई फ्रूट्स जब एक साथ खाए जाते हैं तो इनसे हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के अनेकों फायदे होते हैं। काजू, बादाम, किशमिश हमारे दिमाग, पाचन तंत्र, स्किन, वजन, शारीरिक ऊर्जा, बैड कोलेस्ट्रॉल, बाल, दांत और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इनको हमें क्या करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है, या जब तक जो हमने यहाँ पर ये किशमिश वगैरह डाली है ये थोड़ी सी फूलने नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर जो है ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे से भून के तैयार हो चुके हैं। उसके बाद मैंने आधा कप के जितनी ये घर की सेवाइयाँ डाल दी हैं। मैं जानती हूँ जो सेवाइयाँ होती हैं इनका तासीर थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपने देखा है ज़्यादा सेवाइयों का यूज़ नहीं किया है, केवल इतना ही यूज़ किया है ताकि हमारी रेसिपी में एक गाढ़ापन आ सके और एक टेस्ट भी बढ़ सके। 1 मिनट के लिए इनको हम भून लेते हैं और जब ये हल्की सी आपको गुलाबी नज़र आने लगेंगी तब हम इसमें 500 से 600 ml के जितना, यानी कि आधा लीटर या आधा लीटर से थोड़ा बहुत ज़्यादा दूध डाल देते हैं, जितना दूध आपके पास हो, या फिर आप रेसिपी को कितना ठीक या कितना लूज खाना पसंद करते हो उस हिसाब से यहाँ पर दूध डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर आधा लीटर के जितना दूध डाल दिया है और ये मैंने मलाई उतार के दूध को लिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप के जितना साबूदाना। तो आज मैंने साबूदाना को पहले से भिगो के नहीं रखा था, साथ ही साथ ही मैंने इसको धो के डाल दिया है। साबूदाना वैसे तो हमारे यहाँ पर व्रत में खाया जाता है, लेकिन इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कि बॉडी को एनर्जी देने का काम करती है। इसका तासीर भी ठंडा होता है तो डाइजेस्ट होने में भी ये बहुत ही ईजी होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेवाइयों का इस्तेमाल किया है तो जो सेवाइयाँ हैं हमारी थोड़ा सा पकने में टाइम लेंगी, इसलिए मैंने साबूदानों को यहाँ पर भिगो के नहीं डाला है, ताकि जो हमारी सेवाइयाँ हैं और जो साबूदाना है साथ साथ ही इनका कुकिंग प्रोसेस चले और ये बराबर ही पक के तैयार हो जाए। इनमें से कोई सी भी चीज़ पहले से ही पक गई तो क्या होगा, हमारी रेसिपी में एक चिपचिपापन भी आ सकता है। तो जितने टाइम में हमारी सेवाइयाँ बन के तैयार होंगी उतने ही टाइम में हमारा साबूदाना भी बन के तैयार होगा। इस टाइम पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है जो कि केसरी फूड कलर है। ये मैंने केवल रेसिपी में एक अच्छा कलर लाने के लिए डाला है। आज मेरे पास केसर के धागे खत्म हो चुके थे तो अच्छा कलर देने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फूड कलर डाला है। अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो आप केसर के धागे डाल सकते हैं, अगर आप फूड कलर डालना चाहते हैं तो फूड कलर डाल सकते हैं, बाकी आप दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। तो कम से कम 5 से 6 मिनट के बाद ही आप देखोगे जो हमारा ये दूध है इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी आपको यहाँ पर कम नज़र आने लगी है और जो हमने यहाँ पर साबूदाना और जो सेवाई वगैरह डाली थी ये भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट होना शुरू हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करते हुए, यानी कि इसके उबाल का ध्यान रखते हुए आपको इस रेसिपी को पका के तैयार करना है। तो ये लीजिए, इसमें काफ़ी गाढ़ापन भी आ चुका है और जो साबूदाना और सेवाई वगैरह थी वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। लास्ट में आके मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सूखा नारियल डाल दिया है जिसको मैंने थोड़ा सा लंबे लंबे पीस में ही कट किया है। इससे इस रेसिपी में और भी ज़्यादा निखार और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। उसके बाद बारी आती है मीठे की, तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के जितनी मिश्री डाल दी है। आपके पास मिश्री हो तो मिश्री डाल दें, आप चीनी भी डाल सकते हैं। वैसे मुझसे कितनी बार जो है सवाल किया गया है कि क्या हम इन रेसिपी में कच्चा मीठा यानी कि गुड़िया फिर शक्कर डाल सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल डाल सकते हो। हम गुड़िया शक्कर का इस्तेमाल इसलिए कम करते हैं क्योंकि हर एक किसी के पास गुड़ शक्कर अवेलेबल नहीं होता है। चीनी और मिश्री लगभग में सभी के पास आसानी से मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर कच्चा मीठा यानी कि गुड़ और शक्कर डाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे लास्ट में आके गुड़िया फिर शक्कर डालना होगा, क्योंकि जब भी कच्चा मीठा दूध के अंदर जाता है तो दूध एकदम फट जाता है। तो इसलिए हल्का सा इसका टेम्परेचर डाउन कर ले, उसके बाद ही आप कच्चा मीठा डालें। कच्चा मीठा डालने से तो इस रेसिपी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लीजिए, हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, देखते ही साथ ही मुँह में पानी आ रहा है। इतने सामान से कम 10 लोगों के लिए ये रेसिपी आसानी से बन जाएगी। तो मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल दिया है।
ये देखिए कितनी सुपर डुपर टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। बस सुबह ही सुबह एक कटोरी आप सुबह के नाश्ते में खा लें और पूरा दिन के लिए एनर्जी से भर जाए। टेक्सचर देखिए और टेस्ट मैं आपको ये बता नहीं सकती हूँ, आप खा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। आई होप दोस्तों आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।